बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से एक बहुत ही दुखी खबर आती हुई लियो फ्रॉम लियो एंड लॉन्जिविटी इज नो मोर विद अस। लियो वॉज फाउंड डेड इन हिज बेडरूम इन थाईलैंड पटाया एंड जिस आर्टिकल ने लियो की डेथ को कंफर्म किया है उस आर्टिकल को अगर हम लोग पढ़े तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से लियो की डेथ हुई है लियो के पूरे रूम में तोड़फोड़ और सब कुछ बिखरा हुआ था रूम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे बट अब मैं फर्दर मोर उनकी डेथ से रिलेटेड ज्यादा चीजें कवर नहीं करूंगा आई एम श्योर अगर आपने कभी भी डायरेक्ट फ्रॉम मोर प्लेट्स मोर डेट्स की वीडियो देखी होंगी तो आप लियो को जरूर जानते होंगे डायरेक्ट

अपनी फैमिली से हजारों किलोमीटर दूर एक अनोन जगह यू फाउंड आउट दैट यू आर डेड सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट एंड माई कंडोलेंसेस आर विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स रेस्ट इन पीस लियो यू विल ऑलवेज बी नोन एज द स्मार्ट हेल्थ गाय फिटनेस इंडस्ट्री डेब्यू ओलंपिया पे एट पोजीशन पे प्लेस हुए एंड्रो जैक अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे ओलंपिया से कुछ दिन पहले ही ब्रोंकाइटिस हो गया था एंड जैक को इसीलिए अभी भी हमने उनका फाइनल वर्जन नहीं देखा है एंड मोस्ट प्रोबेबली अपना बेस्ट वर्जन दिखाने वाले हैं अभी आर्नोल्ड क्लासिक की स्टेज पे एंड्रो जैक बिकॉज अगर हम एंट्रो जैक की सबसे रिसेंट की अपडेट देखें तो ही लुक फिनोमिनल इन दम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिजिक अपडेट एंड्रो जैक हैज एवर पोस्टेड अपनी इन अपडेट्स में अपने ओलंपिया वर्जन से कई गुना ज्यादा बेहतर लग रहे हैं एंड्रो जैकट फ्री किट माने ये बहुत बड़ा एच देता है एंडोजैक की फिजिक को इतना ब्यूटीफुल मिड सेक्शन है उनका जितना हारमोनियसली एंड का मिड सेक्शन उनकी पूरी बॉडी को जोड़ता है Man, इतने किसी और ओपन बॉडी बिल्डर्स के होंगे एंड ऑल्सो एंडोजेक एट ईयर ओल्ड

आउट देयर क्रिस लुइस को जाना जाता है अपने क्लाइंट्स की लिमिट को पुश करने के लिए एंड ऑल्सो शायद आपको पता नहीं है कि क्रिस लुइस ने काफी साल तक चार्ल्स ग्लास के अंडर ट्रेनिंग की थी एंड क्रिस लुइस चार्ल्स ग्लास की ही ट्रेनिंग को अपने ट्विस्ट के साथ कराते हैं वैसे तो एंड्रू जैक्ट अपनी फिजिक अपडेट ज्यादा डालते नहीं है बट आई थिंक इसीलिए नहीं डालते हैं बिकॉज वो इतने आउटस्टैंडिंग लगते हैं काफी बड़े बड़े प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स ये बोल चुके हैं कि अगर एंड्रू जैक्ट अपने फाइनल फॉर्म में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वही मिस्टर ओलंपिया है बट देखना यही होगा की क्या एंड्रू जैक के कोचेस बदले

अपनी छोटी हाइट के बावजूद वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट फिजिक रखेंगे उस स्टेज पे शॉन कैरिडा इस बार का जो आर्नोल्ड क्लासिक का लाइनअप है वो काफी ज्यादा टाइट है देखना यही होगा उसमें शॉन कैरिडा कहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि शॉन कैरेडा उतने मस्कुलर नहीं है जितने बाकी और बॉडी बिल्डर्स होंगे उस स्टेज पे बट अगर हम लोग फ्रेम पे मसल की बात करें तो आई डोंट थिंक निक वॉकर को छोड़ के शॉन कैरिडा के आसपास भी कोई आता है अपने फ्रेम को फिल करने के लिए हीज एक्सट्रीमलीट विन का यह ड्राई हार्ड लुक ही है जो इनको एक डिस्टिंग फीचर देता है शॉन क्लैरिडा की स्किन क्वालिटी इज वन ऑफ द बेस्ट अमंग प्रो रैंग जिसकी वजह से काफी कमाल के डीप कट्स अपनी फिजिक में दिखाते हैं शॉन कैरिडा जो शॉन क्लैरिडा नाइन्टी एट नाइन नाइन रॉनी कॉलमेन की याद दिलाते हैं एंड डिजर्वली सो उनको मिनी रोनी कॉलमेन बोला भी जाता है काफी बॉडी बिल्डिंग शॉन कैरेडा को वो टाइटल के लिए डेंजरस नहीं मान रहे हैं आई थिंक ये गलती हो सकती है उनकी बिकॉज लास्ट टाइम जब शॉन कैरिडा ओपन बॉडी बिल्डर्स के बीच उतरे थे तो वो फर्स्ट आए थे लीजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बट ऐसा क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन उस स्टेज पे नहीं था जैसा आनोड क्लासिक में होने वाला है। काफी अक्लेम्ड बॉडी बिल्डिंग ये प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल का आर्नोल्ड क्लासिक शॉन कैरेडा ही जीतेंगे जैसे फ्लेक्स व्हीलर फ्लेक्स व्हीलर यहाँ पे शॉन कैरेडा के बारे में कहते हैं कि उनको शॉन का यहाँ पे कोई भी कंपटीशन दिख नहीं रहा है एस लॉन्ग एज ही नेल्स हिज फिजिक फ्लेक्स व्हीलर ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अभी तक ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं देखा था जो बार बार अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखाता है स्टेज पे फ्लेक्स यहाँ पे ये यह भी बोलते हैं कि अगर शॉन ओलंपिया जितनी अपनी कंडीशन फिजिक ना मिला है तब भी बहुत ज्यादा चांस है यहाँ पे शोनी के जीतने का जो की आई माइट नॉट एग्री विद बिकॉज आई थिंक जितने ही अच्छे शॉन कैरेडा है उतने ही अच्छे निक वॉकर भी है और जब दो बॉडी बिल्डर्स के पास सब कुछ सेम होता है और मसल मास में डिफरेंस होती है तो हम सब जानते हैं जिसके पास मसल मास होती है वही जीतता है तो ये कह देना कि शॉन कैरेडा अपने बेस्ट फिजिक नहीं लेके आए तब भी जीत जाएंगे वो थोड़ा अनरियलिस्टिक जरूर लग रहा है बट फ्लेक्स व्हीलर ने ये बात बिल्कुल सही बोली है कि जिस तरीके की कंसिस्टेंसी शॉन कैरेडा दिखाते हैं उस तरीके की कंसिस्टेंसी शायद ही कोई और बॉडी बिल्डर दिखाता होगा एंड अगर हम लोग उनकी की कुछ अपडेट्स को देखें तो आई डोंट थिंक की वो कंडीशनिंग में भी थोड़ा बहुत लैक करने वाले हैं यहाँ पे। आई थिंक ही विल ब्रिंग हिज हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑन दैट स्टेज बट आप लोगों को क्या लगता है अगर शॉन केडा हंड्रेड परसेंट होकर आए तो क्या वो आर्नोल्ड क्लासिक का टाइटल जीत पाएंगे कि नहीं

जो गेस्ट पोजिंग होंगे उसमें सैमसन दोदा को भी इनविटेशन मिला है एंड मोस्ट प्रोबेबली सैमसन दोदा को हम लोग ऑफ सीजन शेप में देखेंगे जो कि अपने में ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ सैमसन दोदा ऑफ सीजन में 300 पाउंड से ऊपर रहेंगे और वहां पे सैमसंग के साथ शॉन निक हंटर डेरिक भी होंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए बट अभी के लिए फिलहाल हम लोग आनोड क्लासिक पे अगर फोकस करें तो सैमसंग पिछली वीडियो में काफी दे दी थी तो इस वीडियो में मैं उतनी ज्यादा उनके अपडेट्स दूंगा नहीं या इनके बारे में ज्यादा उतना बोलूंगा नहीं बट जैसे जैसे सैमसंग अपडेट्स निकालते जा रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा यकीन होता जा रहा है कि दौदा डेफिनेटली वो टॉप टू तो जरूर क्रैक करेंगे एंड होपफुली वो जीतने को देखेंगे यहाँ पे खैर आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या सैमसंग दौदा आन रोड क्लासिक जीत पाएंगे या नहीं चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय